फ्री फायर गेम इज नॉट ओपनिंग टुडे। आज क्यों फ्री फायर गेम खुल नहीं रहा है? तो हेलो गाइस यार, वेलकम बैक टू राजदीप वर्टी। और आज के वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि फ्री फायर गेम में ऐसा क्या हुआ कि आज फ्री फायर गेम खुल नहीं रहा है। तो गाइस तुमको अगर पता होगा तो मैं बता दूं कि आज फ्री फायर का जो है OB27 अपडेट आने वाला है, जिसकी वजह से आज फ्री फायर गेम पूरा दिन मेंटेनेंस में रहेगा। सुबह 9:30 बजे से मेंटेनेंस स्टार्ट होगा और शाम के 6 बजे तक चलेगा। तो इसके बीच तुम गेम नहीं खेल सकते, जब शाम को मेंटेनेंस खत्म हो जाएगा उसके बाद तुम गेम खेल पाओगे। तो अब चलो बात करते हैं कि अपडेट में क्या क्या है। बट उससे पहले अगर तुम लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर डालो, पास में जो बेल आइकन है उसको दबा कर ऑल पे सेट कर देना। साथ ही इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या किया भाई, वीडियो को भी लाइक करो। तो चलो बात करते हैं अपडेट में क्या क्या आएगा। तो अपडेट में सबसे पहला तुम्हारा क्लैश स्क्वाड का रैंक सीजन 6 जो नया तुमको रैंक सीजन 6 आ जाएगा इस अपडेट के बाद। यहाँ पर तुमको अगर गोल्ड 3 टायर तक तुम अगर पहुँच जाते हो तो तुमको गोल्डन F500 मिलेगा। दूसरी बात, तुमको जो क्लैश स्क्वाड का जो स्टोर होता है, मतलब जहाँ से तुम गन्स वगैरह खरीदो, वो थोड़ा अपडेट हो जाएगा। तो उसमें नए नए गन्स और कुछ चेंजेस होंगे, तुम देख लेना बाद में क्या आएगा। तुम्हारा जो नया बर्मुडा रिमास्टर्ड मैप था जो जनवरी में हटा दिया गया था, वो क्लैश स्क्वाड में फिर से वापस आ जाएगा। क्लैश स्क्वाड के कैजुअल रैंक मैच के लिए तुम खेल पाओगे। दूसरी बात जो है, तुम अभी तक अगर क्लैश स्क्वाड में अगर तुम्हारा मैच खत्म हो जा रहा था तो तुम सब अपनी टीम के MPP को देख सकते थे, बट अब से तुम जो है अपने ओपोनेंट टीम के कोई कौन MPP बन रहा है उसको भी तुम देख पाओगे क्लैश स्क्वाड में। साथ ही कुछ वेपन अटैचमेंट्स में इन्होंने छेड़छाड़ की है, जिसमें तुम्हें वेपन के जो अटैचमेंट है वो परमानेंटली अटैच रहेंगे, तो तुमको बार बार अलग से उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब क्लैश स्क्वाड के लिए है। अच्छा, डायनेमिक प्ले जोन कुछ करेंगे, तुम देख लेना इसमें क्या लिखा है। कैरेक्टर पेस्ट में भी ये लोग थोड़ा अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सिम, मिशा, दिलवा A124 पता नहीं क्या नाम है इनके, इनको तुम स्किल अपडेट कर रहे हैं इनके। और रीवर्क करके वुकोंग, राफेल, हयातो और केली के, मतलब उसके जो स्किल है उनको क्या कहते हैं रीवर्क करके, मतलब उसको चेंजेस कर रहे हैं। साथ ही जो क्रोनो कैरेक्टर है हमारा खतरनाक कैरेक्टर, उसका स्किल जो है डैमेज जा रहा है, मतलब नीचे जा रहा है, डैमेज मैंने गलत बोल दिया, नीचे जा रहा है उसका जो है स्किल। ये भी चीज़ है। न्यू कैरेक्टर जो है गेम में आने वाला है जिसका नाम है मारो, ठीक है। ये कैरेक्टर बहुत ही अच्छा होगा, तो मतलब ये मोको का भाई कैसे था, मतलब मोको अब तक अकेली थी, उसका भाई आ गया होगा, ठीक है। फिर से एक न्यू कैरेक्टर आएगा जिसका नाम है जायन, ठीक है। जायन एक स्पोर्ट्स लवर है, मतलब एक्सट्रीम स्पोर्ट्स लवर है। अभी जो तुम्हारे ट्रेनिंग ग्राउंड में है वहाँ पर 1v1 के मैचेस में तुम खेल सकते हो बॉक्सरिंग की तरह, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है। अच्छा, गेम में कुछ ऐसा हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं ये लोग, मतलब तुम्हारा जो कॉम्बैट जोन है या तुम्हारा जो क्या कहते हैं ब्राइटनेस है उनको भी थोड़ा गेड़ा हटा रहे हैं, उनको पता नहीं। साथ में वेपन में भी बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। M60, M249, FF9, स्मोक ग्रेनेड, फ्लैश बैंक का जो है वो अब जा रहा है, AUMP का भी अब जा रहा है, फार्मर्स का भी अब जा रहा है, MAC-7 का भी अब जा रहा है, M14 का भी अब जा रहा है। अब मतलब डैमेज होगा या फायर रेट को पता नहीं है, बट M8 भी जो है और वेक्टर फार्मर्स इनका जो है डाउन जा रहा है, मतलब उसके जो भी क्या कहते हैं डैमेज या स्कोर स्पीड जो भी होगा वो डाउन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर गाइस एक नया वेपन आ रहा है जिसका नाम है कॉड, जो एक LMG गन होगा जो सरप्राइजिंगली फायर करेगा और जो तुम 100 के भी सारे प्लेयर्स को मार सकते हो। तो ये गन इस OB27 अपडेट के बाद गेम में आ जाएगा। अब कैरेक्टर सिस्टम में नया UI ला देंगे जहाँ पर तुम अच्छे से अपने कैरेक्टर के जो भी स्किल है वो बढ़िया से देख पाओगे और गेम में बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। तो फिलहाल बात करें तो OB27 अपडेट जो है बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो तुम में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जाकर फटाक से सब्सक्राइब कर लो, तुमको OB27 अपडेट का वास्ता है। और साथ ही बेल आइकन दबाकर उसको ऑल पे सेट कर लेना। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जल्दी से कर दो। तो चलो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर फ्री फायर और दो चीज़ कर रहे हैं, वो है पहला जो है वो है लोड आउट मेनू। यहाँ पर तुम क्या होगा कि तुम कोई भी मैच जाने से पहले अपने कैरेक्टर्स के स्किल, अपने जो भी अटैचमेंट वो क्या कहते हैं लोड आउट जो भी तुम लेते हो, क्या बाउंटी वाउचर या रिसप्लाई मैप जो भी तुम लेते हो उनको अच्छे से आप ले पाओगे नया UI के साथ। और जो तुमको नया चीज़ मिलेगा वो है हीरोइक एम्बलम, जो तुमको हीरोइक एम्बलम तुमको गेम में कलेक्ट करना पड़ेगा हर रैंक सीजन में, और जिसको तुम बाद में अपने दोस्तों को दिखा भी सकते हो, उनसे उनको चिढ़ा भी सकते हो, ठीक है। और बाकी जो नॉर्मल ऑन इन गेम ऑप्टिमाइजेशन होते हैं वैसे ही वो कर रहे हैं, थोड़ा सा ये बटन ऑप्टिमाइज, थोड़ा सा वो ऑप्टिमाइज, पेट ऑप्टिमाइज, कॉस्ट्यूम ऑप्टिमाइज, ब्राइटनेस और लाइट उसका इफेक्ट ठीक ठाक रहेगा, और जो भी बग छोटे मोटे होते हैं उनको भी वो फिक्स कर रहे हैं। तो ये था टोटल OB27 का टोटल अपडेट का जो है छोटा सा ओवरव्यू। तुमको कैसा लगा वो मुझे कमेंट में बताओ। और यार बस इतना ही, और तुमको जब गेम अपडेट हो जाएगा शाम के 6 बजे उसके बाद तुम अपने प्ले स्टोर में जाके अपना जो है गेम अपडेट करके आराम से खेल सकते हो, या फिर अगर तुम एप्पल के यूज़र हो, मतलब आईफोन यूज़र हो, मेरे से प्रोनाउंस भी नहीं होता एप्पल का नाम भाई, सब इतने बड़े आदमी हो तुम अगर हो, तो तुम अपने iOS स्टोर में जाना, गेम को अपडेट करना, मजे में गेम खेलना। हो सकता है कि गेम अपडेट करने के बाद गेम में थोड़ा पिंग का इशू हो, थोड़ा गेम ओपन ना हो, क्योंकि भाई तब बहुत सारे बंदे जो है एक साथ गेम खेलने की कोशिश करेंगे, तो तुम थोड़ा आइंस्टाइन का दिमाग मत दौड़ाना, कोई फाइल उल्टा सीधा कम मत करना, ठीक है। वो आज फिक्स नहीं होगा तो कल तक जरूर फिक्स हो जाएगा, तो टेंशन करने की कोई बात नहीं, अपना चिल मजे से गेम खेलो और ऐश करो। तो आज के वीडियो के लिए इतना, जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।